शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, मुझे बस इतना बता दो कि कब जीतेगी आरसीबी यार? कब खून खौलेगा रे तेरा? मतलब हर साल इनका हाइप बनता है, हर साल ही नहीं जीत पाते हैं ये। टॉकिंग इन पॉलिटिकल टर्म्स, आरसीबी हैज द फैन बेस ऑफ बीजेपी एंड द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ कांग्रेस। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। तो भैया, हफ्ते की काफी सारी पंचायत है जो आप लोगों को बतानी है। आप बताओ पहले किससे शुरुआत करूं, न्यूज से या कॉन्ट्रोवर्सीज से? कॉन्ट्रोवर्सीज से ऑब्वियसली, कलेश तो सबको देखना है, न्यूज चैनल ऐसे थोड़ी टीआरपी कमा रहे हैं। तो हुआ यू कि अखबार इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपी एक तस्वीर के बाद पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया। एंड इस बार कोई फ्लाईओवर को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हुआ है थैंकफुली, बल्कि ये फोटो थी एक आईएएस कपल की जो अपेरेंटली दिल्ली के एक स्टेडियम में अपने कुत्ते को घुमा रहे थे। और ये दिल्ली था इसलिए पेट थोड़ा शांत था, अगर नोएडा होता तो ये थोड़ा ज्यादा चिल्ला रहा होता। इफ यू नो यू नो, थोड़ी मर्यादा रखिए। नाउ द स्टोरी इज कि दिल्ली के थ्यागराज स्टेडियम के एथलीट्स काफी लंबे समय से ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनको अपनी प्रैक्टिस को 2 या 3 घंटे पहले खत्म करने को बोला जाता है, क्योंकि वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खिड़वाड़ को अपने कुत्ते के साथ वॉक पे निकलना होता है। नाउ इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत गलत था। किसी भी सरकारी अधिकारी को हक नहीं बनता है कि वो ट्रैक्स से एथलीट के हिस्से की रनिंग करें, भले ही उनमें चर्बी ज्यादा चढ़ी हो। इस खबर के छपने के कुछ ही दिनों बाद एक रिपोर्ट मांगी गई, वो सबमिट हुई और फिर एज पनिशमेंट कपल को ट्रांसफर कर दिया गया, एक को लद्दाख एक को अरुणाचल प्रदेश। और इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से नेशनल ट्रेंड को फॉलो करते हुए देश के निवासी दो हिस्सों में बट गए। एक तबके का कहना था कि भाई सही किया, सजा तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया कि अगर आपको उनको सजा देनी थी तो आप एक डिसिप्लिनरी कमेटी बिठा के लॉफुली उनको पिनलाइज कर सकते थे। लद्दाख और अरुणाचल में उनकी पोस्टिंग करना कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि क्या ये दोनों जो जगह है वो पनिशमेंट पोस्टिंग है आपकी? कैसे लद्दाख और अरुणाचल को इंफीरियर पोस्टिंग नहीं समझा जाएगा? और ऐसा होता भी है, हम कई बार ऐसे हिंदी मूवीज में हमको देखने को मिलता है कि प्रोटैगनिस्ट को कोई नेता या अधिकारी उसको धमकी देता है कि तेरी पोस्टिंग कहीं दूर दराज के इलाके में कर दूंगा। मिल जाएगा भैया, कल तक में है ना, तुम्हें मिल जाएगा। ये क्या है सर? तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हें कल तक मिल जाएगा। तो इस डिसीजन पर सवाल उठना तो काफी लाजमी था। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में एक स्कूल प्रिंसिपल ने अपनी पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, और सबूत के तौर पर उन्होंने घर पर लगाए कैमरे से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी सबमिट की। अब मैं वो दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा यूट्यूब फ्रेंडली कॉन्टेंट नहीं है, पर आंटी का स्ट्राइक रेट तो बहुत तगड़ा था देखो। अब एज एक्सपेक्टेड ये मामला काफी तूल पकड़ा और लोगों ने भी एज एक्सपेक्टेड वही आर्ग्यूमेंट दिया कि अरे ऐसे कैसे अपनी मेहरारू से पिट गया। अपनी मेहरारू से पिटता है ये। देखिए ये है आजकल का फेमिनिज्म, वो औरत अपने पति को इतना मार रही है जितना बटलर ने आरसीबी के बॉलर्स को नहीं मारा भाई साहब। सन 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 दिख रहे जाते हुए जा रहे ना, अपनी औरत से पिटता है वो। नाउ दिस मेक्स अ लिटिल सेंस एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होता है वो सोसाइटी के जजमेंट का भी शिकार होता है। मैंने फेमिनिज्म पर एक एपिसोड बनाया था, अगर आप फेमिनिज्म के बारे में कुछ समझना चाहें तो एपिसोड जाके देख सकते हैं। इसमें कविता कृष्णन जी ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पेट्रियार्की अगर एक सामाजिक बुराई है तो उसका जितना शिकार महिलाएं होती हैं उतना ही पुरुष भी होते हैं, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड बाय द नोशन ऑफ पेट्रियार्की। ठीक है, और जो जिस तरह की गालियां दे दिए जाती हैं पुरुषों को, जिसमें नामर्द होना एक ये होना, तो एक नामर्द होने के नाते, मैं तो मर्द नहीं हूं, मैं नामर्द होने के नाते कहती हूँ कि भाई नामर्दी में इतना शर्म क्या है, इसमें इतनी गलत चीज क्या है? चूड़ी पहन रखा है आपने, तो चूड़ी पहन रखने में क्या दिक्कत है? चूड़ी पहन रखने से क्या कोई कमजोर हो जाता है? कोई जो है कम सच बोलने लगता है? क्या मामला है? क्योंकि जैसे नोशंस हैं, कोई ये मानेगा ही नहीं कि भाई मर्द भी पिट सकता है ना जॉनी डेप जी? My dog stepped on a bee. अभी अपडेट ये है कि कोर्ट ने पुलिस को तफ्तीश करने के आदेश दिए हैं और पुलिस ने अध्यापक जी की सिक्योरिटी की गारंटी ली है। बताओ इतनी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज इतनी आसानी से बता देता हूँ, तुम लोग फिर भी लाइक नहीं करते, हर्ट होता है या हर्ट। देखो टीवी में बहुत प्रॉब्लम्स है इसलिए आजकल सब ओटीटी प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, 50 तरह के ऐप सब्सक्राइब करने पड़ते हैं भाई, फिर उनको पेमेंट ट्रैक करना पड़ता है, फिर उनको अलग अलग से पे करना पड़ता है,
और फिर 50 तरह के तो ऐप्स हैं, Amazon Prime, Hotstar, Sony Live, blah blah blah. आजकल इतने ज्यादा ऐप्स आ चुके हैं मार्केट में, भाई मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. इवन मैं क्रिकेट देखने के लिए कभी कभी Hotstar यूज करता हूँ तो उसका सब्सक्रिप्शन भी ट्रैक करना मुश्किल होता है. इसलिए ये थकान दूर करो और डाउनलोड करो फ्लीक ऐप को, जो एक सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस ऐप है. फ्लीक के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स पर 40% तक डिस्काउंट ले सकते हैं और इसमें फ्लीक कॉइन्स भी होते हैं जिसका आप यूज करके 10% तक कैशबैक भी जीत सकते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके फेवरेट शोज होते हैं वो अलग अलग OTT ऐप्स पे मिलते हैं, तो सबके सब्सक्रिप्शन खरीदना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसका सॉल्यूशन भी फ्लीक में है, बंडल्स. फ्लीक के थ्रू आप अपने फेवरेट OTT सब्सक्रिप्शंस को कॉम्बोज में लेकर लगभग 50% तक डिस्काउंट भी ले सकते हैं, मतलब पैसा और टाइम दोनों की बचत. एंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो पहले 1000 लोग जाके साइन अप करते हैं उनको मिलेंगे 100 फ्लीक कॉइंस, जिनको आप यूज करके डायरेक्ट डिस्काउंट भी ले सकते हैं. इसलिए इट्स बेटर दैट यू स्टे ऑन फ्लीक एंड डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. And now moving on to the news of the week. देखो अभी कुछ ही समय हुआ है कि हम कोरोना वायरस के कहर से उभर रहे हैं और इसी बीच एक नए वायरस के फैलने की अफवाह मार्केट में सुनाई दे रही है. कौन बोला 90s फैशन ट्रेंड? नाम है मंकी पॉक्स, जिसके अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 देशों में 100 से अधिक केसेस मिल चुके हैं और WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इस पे चिंता भी जताई है. हालांकि अभी डरने की बात नहीं है क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अभी इसे इतना बड़ा खतरा नहीं बताया है, क्योंकि ए, ये कोरोना वायरस की तरह इन्फेक्शियस नहीं है और बी, इसके रिलीफ के लिए अभी कुछ वैक्सीन अवेलेबल हैं. तो जहां तक मंकी पॉक्स की बात है, फॉर द टाइम बीइंग द ओनली मेडिसिन यू नीड इज अ चिल पिल. एक और खबर जो हमारी नेशनल लेवल न्यूज बनी वो है कि टेरर फंडिंग केस में NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दे दी है. 19 तारीख को NIA कोर्ट ने UAPA, सेडिशन और IPC की अन्य धाराओं के अंडर मलिक को यह सजा सुनाई. अगर आपको नहीं पता है कि यासीन मलिक कौन है तो आपको थोड़ा सा नेशनल लेवल के जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है. अगर आपने कश्मीर फाइल्स देखी है तो उसमें जो बिट्टा कराटे का कैरेक्टर था वो भी कहीं ना कहीं यासीन मलिक से इंस्पायर्ड बताया जाता है. मूविंग ऑन टू वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनना. सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि हमारे देश में जो सेक्स वर्कर्स / प्रोस्टिट्यूट्स हैं उन पर सेक्स वर्क करने के लिए अब पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकती. कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि सेक्स वर्क हमारे देश में इलीगल नहीं है और सेक्स वर्कर्स को समाज में इज्जत से रहने का पूरा हक है. अगर आप इस मामले को और समझना चाहते हैं तो आप ये वाली सेक्स वर्कर की हमारी वीडियो देख सकते हैं. इस मामले में हमने काफी डिटेल में सेक्स वर्कर्स के इश्यू को समझने की कोशिश की थी, जिसमें पता चला था कि कुछ लीगल लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते हुए पुलिस और समाज में सेक्स वर्कर्स को बहुत उत्पीड़न झेलना पड़ता है, जबकि सेक्स वर्क इलीगल नहीं है. कई सारे सेक्स वर्कर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं ऐसे जो काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में सेक्स वर्क के डीक्रिमिनलाइजेशन की मांग कर रहे थे. सो फ्रॉम ऑल एंगल्स दिस इज अ पॉजिटिव मूव. विनय कुमार सक्सेना अब दिल्ली के अगले गवर्नर होंगे. प्रेसिडेंट ने हमारे इसी हफ्ते अनिल बैजल का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया LG बनाया. मतलब नेशनल लेवल पे शायद इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट सुन लो, समझ लो, सरकारी एग्जाम में आ जाती हैं ऐसी चीजें. फिर तुमको भी IAS YAS बनना है कि नहीं? तुम्हारा कुत्ता भी स्टेडियम में घूमेगा फिर. अगली खबर है हिंदू क्लाइमेट चेंज और मुस्लिम पोल्यूशन को लेकर. वैसे तुम लोग ध्यान नहीं देते ना ऐसी खबरों पर, तो मैंने सोचा हिंदू मुस्लिम टर्म का इस्तेमाल करूंगा तो कान खड़े हो जाए. और मेरा काम है सब बताना है, क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन फालतू की बातें, आप बस ज्ञान वापी पर ध्यान दो, क्योंकि क्या है ये सब, इनमें से कुछ नहीं होने वाला. बस अगले 50 साल तक हमारा थोड़ा एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी, थोड़े कुछ जगह बाढ़ आ जाएंगी, कुछ जगह सूखा पड़ जाएगा, मतलब पूरे इकोसिस्टम की ऐसी तैसी हो जाएगी. किसको देखना है ये सब, अपन 50 साल के अंदर तो पॉल्यूशन की अगर कृपा रही तो हम लोग निपट लेंगे. दरअसल हुआ यूं है कि वर्ल्ड बैंक ने एक चौंका देने वाला डेटा हमारे सामने रखा है, जिसके मुताबिक हमारे देश की 96% पॉपुलेशन हजार्डस यानी कि खराब हवा में सांस ले रही है. अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो देश में 125 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खराब हवा में सांस ले रहे हैं. यही नहीं, रिपोर्ट ने यह भी बताया कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब 80 करोड़ लोग हैं जो खराब हवा में सांस ले रहे हैं, जिनके पास सांस लेने को अच्छी हवा नहीं है. और इनमें से भी लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में है. एंड दैट टेल्स यू कि हमारे देश में एयर क्वालिटी यानी पोल्यूशन की स्थिति कितनी खराब है. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस पॉपुलेशन का ज्यादातर तबका एक्सट्रीम पॉवर्टी से आता है, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो उन इलाकों में ज्यादा रहते हैं जिसमें एयर क्वालिटी खराब है. अच्छा, गरीबी से याद आया, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट ने हमें ये भी बताया कि कोविड लॉकडाउन और महंगाई की वजह से दुनिया भर में 26 करोड़ लोग और अब एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना करेंगे. और भी कई चीजें सामने आई हैं, जैसे कि जेंडर पे गैप का बढ़ना,
इनकम इनक्वालिटी का बढ़ना, ये सब आप पढ़ना चाहें तो इस आर्टिकल में सारी इन्फॉर्मेशन है और इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। फाइनेंस न्यूज पर बढ़ने से पहले आपको एक अच्छी खबर सुना देता हूँ। आपने आशा वर्कर्स के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आशा वर्कर्स होते हैं अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा वर्कर्स 10 लाख से ज्यादा महिलाओं का एक नेटवर्क होता है जो गाँव और देहात में गवर्नमेंट पॉलिसीज, हेल्थ स्कीम्स को लेकर अवेयरनेस फैलाती हैं। यही नहीं, ये महिलाएं आसपास के इलाकों में प्रेग्नेंट महिलाओं का ध्यान रखना, उनकी डिलीवरी का ख्याल रखना, बच्चे के पोषण का ध्यान रखना, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखना, ये सारे काम करती हैं। और सोसाइटी में इन्हीं मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकग्नाइज करते हुए इस हफ्ते आशा वर्कर्स को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड मिला है। इस मौके पर आशा वर्कर्स को प्रधानमंत्री समेत बड़े से बड़े अधिकारियों और मंत्रियों ने बधाई दी, लेकिन आशा वर्कर्स ने डिमांड की है कि उनकी पगार बढ़ाई जाए, जो कि सही बात है क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो हमारी सोसाइटी का एक तरह से नर्वस सिस्टम की तौर पर काम करने वाली आशा वर्कर्स बहुत कम वेजेस पर काम करती हैं, जिसको बढ़ाने की डिमांड काफी समय से हो रही है। चलिए अब देखते हैं देश की फाइनेंस न्यूज। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये एक रिपोर्ट है जो इस हफ्ते सामने आई, जिसने बताया कि अगर आप हमारे देश में महीने का 25,000 रुपए भी वेतन कमा रहे हैं, यानी कि अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपीज भी है, तो आप देश की टॉप 10% वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में से आते हैं, विच स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द इनकम अनइक्वालिटी, यानी कि जो वेतन में डिफरेंस है इसके बारे में काफी कुछ हमको बताता है। इस रिपोर्ट ने हमको ये भी बताया कि जहां इस पेंडेमिक के दौरान 500 से ज्यादा बिलियनर्स क्रिएट हुए हैं वर्ल्ड वाइड, वहीं ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा चुके हैं, यानी कि शिफ्ट ऐसा हुआ है कि अमीर अमीर और हो चुका है और गरीब गरीब और हो चुका है। बट द नेक्स्ट न्यूज इज ऑन अ पॉजिटिव नोट। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में आता है, ये इस वर्ष यानी कि 2021-22 वाले वर्ष में इतिहास में सबसे ज्यादा रहा। बीते वर्ष हमारे देश में $83 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। FDI बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण ये भी होता है जब बाहर की कंपनीज इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। और अगर आप फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से बाहर की कंपनीज हमारे इंडियन स्टार्टअप्स में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्रॉम ऑल एंगल्स दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। और स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा कर राजस्थान रॉयल्स अब फाइनल में पहुंच चुकी हैं, जहां उनकी भिड़ंत होगी गुजरात से IPL ट्रॉफी के लिए। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, मुझे बस इतना बता दो कि कब जीतेगी RCB? यार कब घूम घोलेगा रे तेरा, मतलब हर साल इनका हाइप बनता है, हर साल ही नहीं जीत पाते हैं ये। टॉकिंग इन पॉलिटिकल टर्म्स, RCB हैज द फैन बेस ऑफ BJP एंड द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ कांग्रेस। एनीवे, फाइनल अब है राजस्थान और गुजरात के बीच में। मैच से अगर हो जाए तो ठीक है, वरना पड़ोसी हो, देख लो आपस में ही डील कर लेना। आई विल स्टिल बेट फॉर राजस्थान बाय द वे। अब चलिए देखते हैं कुछ फनी और नॉनसेंस न्यूज। पहली नॉनसेंस न्यूज है मलेशिया से, जहां पर एक युवक को लघु शंका में वीडियो गेम खेलते वक्त एक सांप ने काट लिया। ये PUBG वाला है क्या? यार एक ही तो टाइम होता है जब इंसान अपने सबसे रिलैक्स मूड में होता है, ऐसे ही टाइम में आके पिछवाड़े पे सांप पप्पी ले ले, भाई मेरा तो इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। जापान की एक इंसान की फेटिश देखो, उसने $15,000 यानी कि लगभग 11 लाख रुपए खर्च किए शादी करने के लिए, कुत्ता बनने के लिए। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अब देखो मुझे तो ये न्यूज वैसी बड़ी फनी लग रही है, क्योंकि लड़कियों की भाषा में अगर बोलूं तो ऑल मेन आर डॉग्स एंड ऑल डॉग्स आर क्यूट। मंजरी मोस्टली हार्मलेस लिखा है, फुल मेटल एल्केमिस्ट एंटर्ड द चैट। रियान लिखते हैं, व्हेन क्रश चेस्ड शी लव्स डॉग। मुस्तफा ने बोला, ऐसा इसलिए किया सो दैट ही कैन गो टू हिज क्रशेस होम एंड गेट सम कडलिंग। THV.Sanam, अरे मोरी मैया चौका देख लो। शादी कर लेता इससे अच्छा। और मेरा दोस्त तो पैदाइशी कुत्ता है, एवरी दोस्त एवर। मध्य प्रदेश में हड़कंप तब मच गया जब पता चला कि वहां के एक डेप्यूटी पोस्टमास्टर ने लोगों के खातों से पैसे निकाल निकाल कर लगभग 1 करोड़ रुपए IPL में सट्टे में लगाए और गवा दिए। सांप को पाल रहा था। और इस हफ्ते के बकवासेपुर के मेंबर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कोविड के टाइम पर। दिल्ली में जब नए LG की अपॉइंटमेंट सेरेमनी थी तो एक अफवाह फैली कि इनको, क्योंकि इनकी मनपसंद सीट नहीं दी गई, इसलिए ये बासे रफू चक्कर हो लिए। फिर लोगों ने कहा भाई ये तो गजब बेइज्जती है। बाद में मंत्री जी ने ट्वीट करके क्लेरिफाई किया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें एक सीट से उठा दिया गया और फिर 15 मिनट इंतजार करवाया, और फिर भी जब उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली तो वो लौट गए। तो लोगों ने कहा अच्छा
फिर ये तो और गजब बेइज्जती है। चलिए अब हफ्ते की कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक न्यूज स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। पहली आती है बिहार के जमुई जिले के गांव से एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ जो स्कूल जा रही थी। दरअसल सीमा नाम की ये छोटी सी लड़की दिव्यांग है, एक पैर इन्होंने किसी एक्सीडेंट में खो दिया था। तो अभी अपने गांव में 1 किलोमीटर दूर जो स्कूल है वो इस प्रकार जाती है। पढ़ाई के लिए बच्ची का संघर्ष देखते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। एंड लाइक द जोमैटो गाय हु गॉट अ न्यू बाइक, दिस गर्ल गॉट अ न्यू प्रोस्थेटिक लेग, यानी कि एक आर्टिफिशियल लेग सिर्फ 2 दिन के अंदर इस बच्ची को ऑपरेशन के थ्रू लगवा दिया गया। और आज कम से कम इतना तो सोसाइटी कर पाई है कि ये बच्ची अपने स्कूल जाने से पहले 4 बार नहीं सोचेगी। और कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू इतना तो अच्छा हो ही गया है कि इस बच्ची को स्कूल जाने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियां हैं। अगर आप क्रिकेट में या फिर स्पोर्ट्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ऐसे 10 प्लेयर्स की बात की थी जो इस IPL सीजन में खेले, जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर अपनी परेशानियों के बावजूद क्रिकेट में सक्सेसफुल होने में सक्षम रहे। अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। और कहीं मत जाइएगा देवी और सज्जनों, क्योंकि अब आ चुका है वो सेगमेंट जहां हम रिव्यू करेंगे मीम्स और कमेंट्स। पूजा निर्भय पांडे ऑन ट्विटर, मैं यहां तू वहां, अपना कुत्ता पता नहीं कहां। जिसको नहीं पता ये तंज कसा गया है IAS वाली स्टोरी के ऊपर। अथर्व सिंह ने लिखा है टाइम जोन इज क्रेजी, इट्स 9 AM इन ऑस्ट्रेलिया, 1 AM इन रोम, 1890 AD इन इंडिया वेयर पीपल आर फाइटिंग ओवर रिलीजन। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हामिद अंसारी ने लिखा है वाज गेटिंग बोर्ड एट द बार्बर शॉप, देन योर वीडियो केम एंड माय हार्ट वेंट, आए हो मेरी जिंदगी में तुम समाचार बनके। देखो हामिद भाई, कभी भी मेरी वीडियो ऐसे आप कहीं बाहर देख रहे हो ना, तो एक फेवर करना, जो साथ में बैठे हो ना उनको भी साथ में दिखाना। एज ऑडियंस आपको कंपनी मिल जाएगी, एज क्रिएटर मुझे ज्यादा ऑडियंस मिल जाएगी, विन विन। फ्लर्टी लड़की ने जूही चावला का ट्वीट शेयर किया है इंस्टाग्राम पर, थैंक गॉड अपुन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। क्या भाई, एक और NCB की रेड आनी है क्या? 2013 में, अरे तब तो सब कोई बोल बच्चन था, तुषार कपूर 2014 के बाद बने हैं सब। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में करो, सहलेंगे थोड़ा? अच्छा, तुम लोग को लगता है ना कि कमेंट में बड़ी तारीफें होती हैं कि ला लोग हंस रहे हैं, लोग बोल रहे हैं गुड कंटेंट, कोई बोल रहा है कि ओ माय मूड। तो पता है भाई, कुछ लोग कमेंट में अपनी सेटिंग कर रहे होते हैं। ये देखो, सृष्टि ने कमेंट किया 1 line फॉर जॉस बटलर, मृत्युंजय नीचे, आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड वीडियो फॉर हिज चैनल एंड हिज टाइप ऑफ कंटेंट, बट यार मुझे रिप्लाई चाहिए था। मृत्युंजय भाई ठीक है, सृष्टि लिखती है वीडियो तो वही बनाएगा ना, तो मृत्युंजय भाई लिखते हैं बट रिप्लाई तो तुम्हारा चाहिए था ना। मुझे कौन सी उसकी पड़ी है। अच्छा। सही खेल गया गुरु, सही खेल गया बैंच। शेख जेड ने लिखा है द वे ही एक्ट ही इज बेटर देन KRK। उत्कर्ष इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ मार्बल रॉक्स, एसगार्ड ऑल्सो नोन एज जबलपुर। अरविंद लियो पेरिया इज वॉचिंग फ्रॉम द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया विच इज बैंगलोर, क्योंकि इसमें गार्डन बहुत ज्यादा होते हैं। इंटेलिजेंट तो हूं, ऐसे नहीं है। मिथिलेश जी इज वॉचिंग फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट IT हब ऑफ इंडिया, पहला तो बैंगलोर, सेकेंड गुड़गांव। अर्नब पाल इज वॉचिंग फ्रॉम जहां इलेक्शन के पहले गोस्वामी वाले टाइटल जर्नलिस्ट को लोकल चैनल में रीजनल लैंग्वेज बोलना पड़ता है। देखो भाई, हो सकता है ये बंगाल हो, बट गोस्वामियों के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं, प्लीज। प्रतीक कांडेकर इज वॉचिंग फ्रॉम द मोस्ट आइसोलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, इन द लैंड ऑफ कैंगरू। अच्छा, मतलब इमोजी चिपकाया बोलते बोलते आ गया सर, ऑस्ट्रेलिया, बट मोस्ट आइसोलेटेड सिटी विच वन एंड वाई, प्लीज कॉमेंट डाउन। सागर भीम जियनी इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ लिटिल मरमेड, तो सर लिटिल मरमेड का तो पता नहीं, क्यूट लग रहे हो साथ में देखो। तुषार रॉकी इज वॉचिंग विथ माई भांजा फ्रॉम द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। देखो तो दोनों को, फैजल और दानिश। सैल्यूटेशन टू डॉन इज वॉचिंग फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ राइन विस्टफेलिया फ्रॉम द कंट्री ऑफ ऑटो बहन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कूल मॉम इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ डेस्टिनी विच इज विशाखापट्टनम, एंड मैम आपका
कितना क्यूट सा लग रहा है ये। मैं भी बचपन में इतना क्यूट हुआ करता था, ऐसे ना ऐसे गंदे गंदे शक्ल वालों को देख के मैं ऐसे चढ़ाता था। फिर मैं बड़ा हुआ, अब मुझे गंदे गंदे शक्ल वाले लोगों की हल्की हल्की रिस्पेक्ट बढ़ गई। वॉचिंग फ्रॉम द लैंड वेयर डस्ट स्टॉर्म्स हैपन एंड देयर इज अ बिल्डिंग ऑफ 828 मीटर टॉल बुर्ज खलीफा। दुबई पड़े लोग। तो ये थे हमारे व्यूअर्स ऑफ द वीक। अगर आप भी फीचर होना चाहते हैं तो शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी क्लिक कीजिए, उसे अपलोड कीजिए #SundayWithSarthak के साथ, अपनी सिटी का कोई हिंट बताओ और हम लोग यहाँ जैसा कि आप जानते हैं गेस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सीखते हैं, थोड़े मजे लेते हैं। एंड टाइम फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द वीक, एंड दिस वीक आई रिकमेंड यू टू वॉच पंचायत Season 2 ऑन Amazon Prime। एंड नो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मुझे एक भी चवन्नी नहीं दी है इन लोगों ने, बट जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल लव फॉर गुड सिनेमा। पंचायत बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक शहर का लड़का कुछ गाँव में नौकरी लग जाती है और वहाँ वक्त बिताता है, गाँव में उसके कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसकी कहानी है। Season 2 में आपको एक मैसेज सीन बताता हूँ, उसमें सतीश रे होते हैं, हुज ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएटर, ये एक शहरी लड़के होते हैं जो गाँव में जा रहे होते हैं, और उसमें एक सीन है जिसमें वो भैंस के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है, उसमें नीना गुप्ता फिर बोलती है कि दिल्ली में भैंस नहीं होता है का। तो बहुत अच्छा कल्चर का मर्ज दिखाते हैं कि शहर के और गांव के कल्चर में कितना डिफरेंस होता है, और मैं अपने लाइफ में काफी समय दोनों जगह रहा हूं तो मैं तो दोनों जगह से रिलेट कर रहा था। सो पंचायत Season 2 इज रियली गुड, बहुत मजा आएगा आपको देखते हुए, एंड यू वुड नॉट रिग्रेट दिस रिकमेंडेशन। Amazon Prime वाले स्पॉन्सर ही कर दो यार। एनीवे दिस वॉज द वीडियो ऑफ द वीक, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।